थर्मो डायनामिक्स, क्लास 11th, आईआईटी मेडिकल। और इस बार हम जो टॉपिक आपका लेके चलेंगे ये है आपका मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला ये आपको बताता है कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। ये आपको प्रूव करना होता है एक आइडियल गैस के लिए। बड़ा आसान तरीके से कहूंगा, आपने कहा लेट देयर बी 1 ग्राम मोल ऑफ अ गैस इन ए सिलेंडर फिटेड विद ए फ्रिक्शन लेस पिस्टन व्हेन द गैस इज कंप्रेस्ड वॉल्यूम चेंजेस व्हेन द गैस इज एक्सपेंडेड वॉल्यूम चेंजेस। तो वर्धन दो तरीके से निकाला जा सकता है। सबसे पहले हमने क्या करा, इफ वी हीट द गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इन दिस केस द गैस इज नीदर एक्सपेंडेड नॉर कंप्रेस्ड, जस्ट यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस बाय प्रोवाइडिंग हीट टू द गैस। बहुत सिंपल सी बात है। तो बेटे इस केस में आप जो भी हीट दोगे dQ, वो 1 ग्राम मोल गैस CV और चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा आपके पास में 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं इसको डीटी लिख देता हूँ। तो dQ इज इक्वल टू 1 CV और कितना होगा आपके पास dT होगा। ये 1 ग्राम मोल को आपने जो हीट दी आपके पास टेम्परेचर चेंज करने के लिए। अब dQ इज इक्वल टू होता है आपके पास dU प्लस dW, और dW आपके पास में होता है प्रेशर P और चेंज इन वॉल्यूम। आपने कहा एज वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम 0, तो dW इज इक्वल टू कितना होगा 0। अब आपको dQ की जगह पर आपने पुट करना है 1 into CV into dT, और dU की जगह आपके पास dU लिखा रहा और वर्क कितना होगा 0। तो गैस की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो चेंज आपके पास CV और dT बन गया। ठीक है बेटे, अभी बस थोड़ा सा रिवाइज कर लो। आपके पास dQ इज इक्वल टू कितना था, CV dT था। dQ आपका dU प्लस dW, और आपने dW को लिखा प्रेशर P into dV और चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो dW कितना आपके पास 0, तो dU इज इक्वल टू कितना है CV dT। अब बेटे अब आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी, अब आपके पास में नेक्स्ट आपने केस लिया व्हेन गैस इज हीटेड एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर, व्हेन वी हीट द गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब इस केस में क्या होगा आपके से वॉल्यूम डू चेंज, वॉल्यूम चेंज होगा आपके पास में। तो इस केस में जो आप हीट दोगे dQ वो गया आपके इसमें 1 ग्राम गैस को CP और चेंज इन टेम्परेचर कितना आपके पास में dT। तो ये आपके पास जो 1 ग्राम गैस को हीट कर चेंज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो CP कहलाएगा आपका।
तो डी क्यू इज इक्वल टू वन सी पी इंटू डी टी होगा। बेटे आपने लिखा डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस में कितना आपके पास में डी डब्ल्यू, आपके पास में हीट चेंज होकर बन चुकी है सी पी डी टी। डी यू आपने थोड़ी देर पहले निकाला था, वही डी यू आपके पास में जो गैस की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के काम आया था, दैट इज सी पी डी टी। और इस केस में जो वर्कडन है, वर्कडन आपके पास बिल्कुल चेंज होगा, ये वर्कडन कितना होगा आपके इसमें पी डी वी होगा। अब आपको पी डी वी की वैल्यू इसके अंदर आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो मैं सिखाता हूँ वो भी फाइंड आउट करना आपको। देखो बेटे आपके पास में एज पी वी इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास आर टी एंड प्रेशर पी इज कॉन्स्टेंट, प्रेशर पी आपके पास कॉन्स्टेंट है तो चेंज जो होगा वॉल्यूम में होगा, और चेंज किस में होगा आपके पास टेम्परेचर में, तो वॉल्यूम चेंज होकर डी वी और टेम्परेचर चेंज होकर आपके पास डी टी बन जाएगा। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, सी पी डी टी सी वी डी टी ये होगा आपके पास आर डी टी, सारे डी टी कट गए, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर और सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। कितने आराम से क्वेश्चन आपका ड्राइव हो गया। बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।